बॉलीवुड की पिल्लो रानी यानी बिपाशा हमेशा ही अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन रही हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि बिपाशा ने जॉन को 10 साल तक डेट किया है। वो बात अलग है कि जॉन उनके इस प्यार को कभी समझ नहीं पाए और उन्होंने उनके साथ अपने सारे रिश्ते को एक ही झटके में तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बिपाशा ने अपने इस ब्रेकअप के गम को अब पूरी तरह से भुला दिया था। इतना ही नहीं, पिछले साल उन्होंने करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी रचाई। वो अब पूरी तरह से इस नई शुरुआत को खुलकर एंजॉय कर रही हैं। वहीं हाल ही में बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर जॉन को भी मिर्ची लग जाएगी। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में बिपाशा ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने एक्स के साथ किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट में रहे। अगर आपका एक बॉयफ्रेंड एसहोल हो तो ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं बिपाशा का इशारा जॉन अब्राहम की तरफ नहीं है। बिपाशा ने आगे कहा कि साथ ही अगर वो एक अच्छा इंसान है तो ये बात कुछ हद तक मुमकिन हो सकती है। वैसे जॉन से पहले बिपाशा का अफेयर डीनो मौर्या के साथ भी रहा था, जिनके साथ आज भी उनकी काफी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने तो बिपाशा की शादी में शिरकत भी की थी, लेकिन बिपाशा की शादी में जॉन नहीं दिखाई दिए, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने बिपाशा के दिल पर कई जख्म दिए हैं और लगता है ये सब बिपाशा ने जॉन को ही कहा है। बात करें बिपाशा की फिल्मों की तो बिपाशा जल्द ही सलमान खान की रेस 3 का हिस्सा बन सकती हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।